विश्व हिंदू परिषद ने जबलपुर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गोवंश के लिए दी गई भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे का आरोप लगाया। साथ ही मामले में जल्द ही कार्रवाई की मांग की, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भूमाफियाओं द्वारा गोचर भूमि पर कब्जा करने के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोला है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जबलपुर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की कि गोवंश की भूमि पर से भूमाफियाओं के कब्जे को हटाया जाए, ताकि प्रदेश में गोवंश की भूमि मुक्त हो और गौशालाओं को बढ़ावा मिले, नहीं तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में जो गोवंश के लिए भूमि सरकार के द्वारा छोड़ी गई थी, जिसपे गोचर भूमि, चारागाह की भूमि, ऐसी कृषि भूमिया, इन पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और गौ के उपयोग में आने वाली भूमि को निजी उपयोग में लिया जा रहा है। इनका कई जगह पे मत भी परिवर्तन कराया गया है। आज ये ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सौंप कर मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि इस प्रकार के कृत्यों पर रोक लगाई जाए और गौवंश की भूमि को सुरक्षित किया जाए। बनाए इसके लिए हमने आज जिला अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने ये मांग की गई है कि शीघ्र ही हमारी मांगे पूरी की जावे, अन्यथा हिंदू समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जय गौ माता। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।